मॉनसून की बारिश की हर किसी के लिए अपनी अहमियत होती है। फिर चाहे गर्मी से बेहाल आम लोगों की बात हो, किसानों की हो या फिर सरकार की बात हो, ये चुनावी साल है और मॉनसून पर अन्य तमाम लोगों की तरह राजनीतिक दलों की भी निगाहें इसी पर लगी हैं। भारत में अच्छा मॉनसून इज इक्वल टू गुड न्यूज। आज धंधा पानी पर बात मॉनसून की, उसके असर की। मैं आपके साथ हूँ सुमिरन। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के बढ़ते भाव और हाल के हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार का बीपी बढ़ रखा है, पर अच्छे मॉनसून की खबर उसे चैन की सांस लेने का मौका दे सकती है। तो देश के लिए मॉनसून जरूरी क्यों है? देश की आबादी का 2/3 हिस्सा किसी ना किसी तरह से रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है। देश के GDP में कृषि का हिस्सा लगभग 15% है। भारत की लगभग आधी आबादी का काम एग्रीकल्चर से जुड़ा है, जो देश का टोटल फूड आउटपुट है उसमें एक बड़ा हिस्सा समर क्रॉप्स का है। पूरे साल भर में जितनी बारिश होती है, करीब 70% मॉनसून के दौरान होती है। वैसे जब भी बारिश आती है, हर किसी को अनु मलिक का ये गाना जरूर याद आता है, देखो बारिश हो रही है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। अच्छा मॉनसून देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े फैसले के लिए जिम्मेदार रहता है। बीते 3 सालों में कमजोर मॉनसून के चलते केंद्रीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती को टालने का काम किया है। कारण यह दिया है कि कमजोर मॉनसून के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है, ऐसे में ब्याज दरों में कटौती से महंगाई बेकाबू होने का डर रहता है। इस बार मॉनसून अच्छा रहा तो ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ हो जाएगा, मतलब सस्ता कर्ज उपलब्ध होगा और कारोबारी गतिविधियां तेज होंगी, देश में निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा। अच्छा मॉनसून मतलब अधिक हाइड्रो पावर पैदा होता है। जिन जगहों पर सिंचाई पंपों कुओं के पानी से होती है, वहां अच्छी बारिश होने पर डीजल की मांग में भी कमी आ सकती है। अच्छा मॉनसून का मतलब ये है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा, खाने पीने की चीजों की महंगाई काबू में रहेगी, किसानों और खेती से जुड़े लोगों के हाथों में अधिक रकम आएगी, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। FMCG, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, कृषि उपकरण और ड्यूरेबल्स और 2-पहिया वाहनों की मांग बढ़ेगी, उद्योगों की रफ्तार तेज होगी, फैक्ट्रियों को मिलेगी लाइफलाइन, बढ़ेगी डिमांड, महंगाई पर होगी लगाम। अगर मॉनसून देरी से आएगा तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, अगर बारिश कम हुई तो उसकी वजह से सूखा आ सकता है। चावल, गेहूं, चीनी के मामले में यूं तो हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन सूखा पड़ने पर भारत को इन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अनुमान लगाया है कि इस साल मॉनसूनी बारिश 97% रहेगी। 96 से 104% तक होने वाली बारिश को सामान्य मॉनसून कहा जाता है। अगर मौसम विभाग का अनुमान गड़बड़ाया, सूखा पड़ा तो शेयर बाजार में हो सकती है खलबली, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखा जा सकता है। सूखे के दौरान सरकार किसानों के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी देती है, यानी खजाने की रकम योजनाओं के बजाय राहत पैकेज पर जाती है और राजकोषीय घाटा बढ़ता है। मॉनसून भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन है। तो ये थी मॉनसून की कहानी। जाने से पहले 2 बातें, अगर आप किसी फाइनेंशियल मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और हाँ, BBC हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, BBC हिंदी के Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। मैं सुमिरन आपसे लेती हूँ इजाजत, बाय बाय।